Hello friends, welcome to Lucky Exam YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक है क्लोज टेस्ट, जो SSC CHSL 2016 में पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आपने उसे नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखें। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पैराग्राफ है, बट वट डज दिस एंथुसिएज्म फॉर वोटिंग एक्चुअली डैश। एंथुसिएज्म इज जोश, उत्साह। वन पॉपुलर थ्योरी डैश दैट poor people dash because they are intimidated into doing so. Intimidate करना means डराना, धमकाना। लेकिन मतदान के लिए यह उत्साह वास्तव में क्या dash? एक लोकप्रिय theory dash कि गरीब लोग dash because they are intimidated, क्योंकि वो डराए धमकाए जाते हैं into doing so, ऐसा करने के लिए। Intimidation occurs for sure, but why then voters in places where there is no intimidation do so? इंटिमिडेशन निश्चय ही होता है, लेकिन तो क्यों? व्हाई देन, तो क्यों मतदाता ऐसी जगहों पर जहां धमकी नहीं दी जाती है, जहां डराया धमकाया नहीं जाता, वहां ऐसा करते हैं? डू सो। अनदर थ्योरी इज दैट, दूसरा थ्योरी ये है कि पीपल वोट, लोग मतदान करते हैं इन रिटर्न फॉर डैश, डैश के बदले में। बट रिसेंट रिसर्च अक्रॉस इंडिया डैश दैट दोज हु स्पेंड द मोस्ट डोंट ऑलवेज विन इलेक्शंस एंड वोटर्स डोंट फील एनी ऑब्लिगेशन टू वोट फॉर दोज हैंडिंग आउट फ्रीबीज। इन फैक्ट दे ऑफन एक्सेप्ट द गुडीज फ्रॉम ऑल पार्टीज बट वोट फॉर ओनली वन। लेकिन पूरे भारत में हाल ही के शोध से डैश कि जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं वे हमेशा चुनाव नहीं जीतते हैं और वोटर्स कोई दायित्व नहीं फील करते। डोंट फील एनी ऑब्लिगेशन टू वोट फॉर दोज, उन लोगों के लिए वोट करने के लिए जो मुफ्त में बांटते हैं। हैंडिंग आउट, हैंड आउट करना मीन्स बांटना। इनफैक्ट वास्तव में वे अक्सर सभी पार्टीज से उपहार स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल एक के लिए वोट करते हैं, बट वोट फॉर ओनली वन। तो ये था हमारा पैराग्राफ। थीम क्या है इसमें? पॉलिटिकल इशू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बट व्हाट डज दिस एंथुसिएज्म फॉर वोटिंग एक्चुअली डैश। फर्स्ट ऑप्शन आंसर, जवाब देना। सिग्निफाई, सिग्निफाई मीन्स अर्थ बताना, अर्थ बताना या डिनोट करना, डिनोट करना दैट इज सिग्निफाई। पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स विचार करना, विचार करना। सपोज मीन्स मानना, मान लेना, एज्यूम करना। क्या होना चाहिए इसका आंसर? लेकिन मतदान के लिए यह उत्साह वास्तव में डैश। एक थ्योरी ये कहता है कि लोगों को डराया धमकाया जाता है इसलिए वो वोट करते हैं। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि जहाँ डराया धमकाया नहीं जाता है वहाँ भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या अर्थ निकलता है, क्या सिग्निफाई करता है? दो कंट्रोवर्सियल बातें हैं, तो एक्चुअली में ये क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन नंबर 2 एक्चुअली सिग्निफाई। लेकिन वास्तव में यह उत्साह मतदान के लिए क्या दर्शाता है, क्या सिग्निफाई करता है? नेक्स्ट है, वन पॉपुलर थ्योरी डैश। फर्स्ट ऑप्शन पोजेस, पोज करना, टू कॉज समथिंग स्पेशली प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, खास करके समस्या या मुसीबत को पोज करना, उसे कॉज करना, इसे कहते हैं पोज। सपोज मीन्स कल्पना करना, मानना। थर्ड ऑप्शन है डिस्पोज, डिस्पोज मीन्स निपटाना, निपटाना। गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, उसे निपटाना, इसे कहते हैं डिस्पोज करना। फोर्थ ऑप्शन है प्रपोज, प्रपोज करना, प्रस्ताव करना, प्रस्ताव करना या विचार करना। कंसीडर या पॉन्डर, P-O-N-D-R, ponder. क्या होना चाहिए इसका आंसर? वन पॉपुलर थ्योरी डैश। पॉपुलर थ्योरी, थ्योरी क्या है? पॉपुलर है, लोकप्रिय है। कोई भी थ्योरी पॉपुलर क्यों होगा? वो गुड सेंस का होगा तभी वो पॉपुलर होगा। तो गुड सेंस के लिए हम पोज को नहीं यूज करेंगे, टू कॉज समथिंग स्पेशली प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, निगेटिव सेंस। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन सपोज, मानना। थ्योरी सपोज नहीं करता, वो प्रस्ताव करता है, अपने विचार को आगे रखता है। तो ये भी नहीं होगा आंसर। थ्योरी निपटाता भी नहीं है, थ्योरी प्रपोज करता है, प्रस्ताव करता है कि गरीब लोग डैश करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रपोजेस।
एक लोकप्रिय थ्योरी यह सुझाव देता है, यह प्रस्ताव देता है कि गरीब लोग, नेक्स्ट है पुअर पीपल डैस बिकॉज दे आर इंटिमिडेटेड इंटू डूइंग सो, उन्हें डराया धमकाया जाता है ऐसा करने के लिए। क्लोज टेस्ट में जब भी आप ब्लैंक को फिल करें तो आप जिस ब्लैंक को फिल कर रहे हो उसके पहले वाले सेंटेंस को और उसके आगे वाले सेंटेंस को भी हमेशा रीड करो, इससे हमारे लिए इजी हो जाता है करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना। तो इसके पहले क्या, एक लोकप्रिय थ्योरी यह सुझाव देता है, यह प्रस्ताव देता है कि गरीब लोग डैश क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है। आगे यू जो है अनदर थ्योरी इज दैट पीपल वोट, वोट करते हैं, यहाँ मतदान की बात हो रही है, वोटिंग की बात हो रही है, ऑप्शंस में भी वोट ही है, वोट आर वोटिंग हैव वोटेड एंड वोटेड। जब भी जनरल फैक्ट की बात हो, अंडरस्टूड फैक्ट, तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या अंडरस्टूड फैक्ट है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इस तरह के जनरल फैक्ट के लिए, कॉमन सी चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गरीब लोग मतदान करते हैं क्योंकि दे आर इंटिमिडेटेड इनटू डूइंग सो, तो क्या एक जनरल फैक्ट है, तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ हम यूज करेंगे वोट, वर्ब इन प्लूरल फॉर्म, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट है अनदर थ्योरी इज दैट, दूसरा सिद्धांत यह है कि पीपल वोट, लोग मतदान करते हैं रिटर्न फॉर डेस, फर्स्ट ऑप्शन ब्राइब्स, ब्राइब मीन्स घूस, फेवर मीन्स सपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मीन्स प्रलोभन, प्रलोभन या टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, ये होता है इंड्यूसमेंट, लोभ लालच प्रलोभन टेम्पटेशन इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। फोर्थ ऑप्शन है हेल्प मीन्स सहायता। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि लोग मतदान करते हैं घूस के बदले में, सपोर्ट के बदले में, या प्रलोभन के बदले में, या सहायता के बदले में, योगा टेम्पटेशन, लालच में आके, प्रलोभन में आके, इंड्यूसमेंट, इसके बदले में लोग वोट करते हैं, लालच में आके वोट करते हैं, प्रलोभन में आके वोट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अनदर थ्योरी इज दैट पीपल वोट इन रिटर्न फॉर इंड्यूसमेंट, दूसरा थ्योरी यह कहता है कि लोग वोट करते हैं प्रलोभन के बदले में। नेक्स्ट है बट रिसेंट रिसर्च अक्रॉस इंडिया डैस दैट दोज हु स्पेंड द मोस्ट डोंट ऑलवेज विन इलेक्शंस, फर्स्ट ऑप्शन शो मीन्स दिखाना, सेकेंड ऑप्शन हैड शोन एंड शोड, लेकिन पूरे भारत में हाल ही के शोध से यह बात जाहिर हुआ है, यह बात सामने आया है कि जो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं वे हमेशा चुनाव नहीं जीतते हैं। ये बात कब पता चला, रिसर्च के बाद, रिसर्च हो गया उसके बाद, रिसर्च कंप्लीट हो गया, तो जब कंप्लीट हो गया तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस, आइदर हैज शोन और हैड शोन, प्रेजेंट और पास्ट, या क्या यूज होगा प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, या प्रेजेंट की बात हो रही है, गरीब लोग मतदान करते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें डराया धमकाया जाता है, डराना धमकाना निश्चय ही होता है, लेकिन तो क्यों मतदाता ऐसी जगहों पर जहाँ धमकी नहीं दी जाती वहाँ भी ऐसा करते हैं, वहाँ भी वोट करते हैं। अनदर थ्योरी ये कहता है कि लोग वोट करते हैं प्रलोभन के बदले में, तो ये क्या प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट है रिसर्च सिंगुलर फॉर्म में, तो हम यह यूज करेंगे हैज देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या शो, इसका थर्ड फॉर्म शोन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू हैज शोन। पूरे भारत में हाल ही के रिसर्च ने यह दिखाया है, दिखा चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका हैज शोन दैट दोज हु स्पेंड द मोस्ट डोंट ऑलवेज विन इलेक्शंस, जो लोग ज्यादा खर्च करते हैं वे हमेशा चुनाव नहीं जीतते हैं, एंड वोटर्स डोंट फील एनी ऑब्लिगेशन, और मतदाता कोई भी दायित्व ऑब्लिगेशन नहीं महसूस करते हैं टू वोट फॉर दोज, उनके लिए वोट करने का, जो क्या करते हैं हैंडिंग आउट, बांटते हैं फ्रीबीज, मुफ्त में बांटते हैं, वास्तव में वे अक्सर स्वीकार करते हैं द गुडीज, गुडीज मीन्स उपहार गिफ्ट फ्रॉम ऑल पार्टीज, सारी पार्टियों से वे एक्सेप्ट करते हैं उपहार को, पर मतदान वो सिर्फ एक के लिए करते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लोज टेस्ट का पार्ट थर्ड। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, इवन एडियम फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं,
प्रेपोजिशन, इट्स एक्टिव, एडवर्ब, ओवरऑल ग्रामर के हर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करें, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, इंग्लिश में न्यूज़ वॉच करें, और जब भी आप ब्लैंक को फिल करें तो जिस ब्लैंक के पास आप हो उसके जस्ट पहले और उसके बाद के सेंटेंस को हमेशा रीड करें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्लोज टेस्ट पे हमारे और भी वीडियोस आएंगे तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।